अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप लोग? माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आपकी तबीयत कैसी है? क्या हो रहा है आपके यहाँ? आज है मंडे का दिन और आज है 29th of January और मैं बना रही हूँ कीमा। तो आपको नज़र ही आ रहा होगा, हड्डी वाला कीमा है इसमें, तो हड्डी भी डाली है हमने, हड्डी के साथ ज़रा इसमें इसका साथ शोरबा वगैरह निकल जाता है, तो फिर ये मज़े का बनती है। हम आप बना रहे हैं आलू कीमा। अच्छा, आलू कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको जाके सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें क्लिक करके, और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कर दें, आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो जो मैं वीडियो आगे फूड की अपलोड करती रहूँगी, कुकिंग की या फिर कोई रेसिपी, तो आपको इसमें लिंक आता है आ जाएगा, क्लिक आ जाएगा, तो फिर आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस आपके पॉपअप हो जाएंगे। इसके अलावा आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और अपने डिफरेंट सर्कल में शेयर कर देना है, थैंक यू। अच्छा, मैं बता रही थी मैं आलू कीमा बना रही थी, इसलिए मैं इसको इसी में डिफ्रॉस्ट कर रही थी, इसलिए मैंने इसको पहले थोड़ा सा डिफ्रॉस्ट होने दिया। अभी मेरे खास से बड़ी सी हड्डी है, हमारे मियाँ साहब लेकर आए हैं। अब ये तो आधा किलो कीमा है, अब इसमें मैंने डाला था तकरीबन एक प्याली मैंने लिया था ऑयल, उसके अंदर मैंने डाला था एक बड़ी प्याज दी थी, उसको मैंने कट करके ब्राउन गोल्डन ब्राउन कर लिया था। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था और उसके बाद फिर इसमें कीमा डाल के इसको मैंने डिफ्रॉस्ट भी कर लिया था, साथ साथ डिफ्रॉस्ट भी हो गया। तो अब मैं यहाँ से आपको दिखा रही हूँ, उसके बाद ये प्रोसेस तो आप लोगों को आता ही होगा इस तरीके का, वाकई मैं आपको आगे बताती हूँ मैं इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स डालनी है। तो इसके लिए हमें मसाले की ज़रूरत होगी, जिसमें मैंने 2 बे लीव्स ली हैं जिसे हम तेज़पात कहते हैं उर्दू में, और 3 से 4 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, एक मैंने छोटी बादियान का फूल लिया जिसे स्टार एनी सीड कहते हैं, 2 मैंने एक बड़ा एक छोटा दालचीनी ली है जिसे हम सिनेमन स्टिक कहते हैं, और 3 से 4 अदद हमने लौंग ली हैं और जिसे हम क्लोव कहते हैं, 4 से 5 अदद काली मिर्चें ली हैं। इसके अलावा मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, लाल मिर्च हम कम खाते हैं, मिर्चें कम खाते हैं, तो मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 2 टेबल स्पून मैंने धनिया के लिए है पिसा धनिया, और 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया हल्दी। हल्दी आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ़ायदेमंद होती है आपके जिस्म के लिए, हड्डियों के लिए, दर्द के लिए, दर्द दुख जो भी होता है, वर्म सूजन के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा मैंने नमक लिया जो कि आप हसब ज़ायका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स हो गए। और इसमें मैं बाकी डालूंगी, मैंने 2 अदद दरमियाने टमाटर लिए हैं, उसको मैंने कट कर लिया है, स्लाइस में कट कर लिया है, उसमें मैंने छिलका उतार दिया, मैंने छिलका आपको बताया था कि छिलका नुकसानदेह होता है पेट के लिए, हज़म देर से होता है इसलिए, और उसमें मैंने 2 टेबल स्पून दही के ले लिए, ठीक है, तो मैंने इसी में ऐड कर देते हैं, साथ में डाल दिए। इसके अलावा मैंने 4 अदद आलू के लिए हैं, उसको मैंने छिलका उतार के इसको मैंने पीसेस में कट कर लिया। अच्छा, आलू अगर ग्रीन हो तो आप हटा देंगे, क्योंकि ग्रीन पार्ट जो है वो लेडीज़ के लिए ख़ास तौर से उनके लेडीज़ के लिए मतलब अच्छा नहीं होता, तो ग्रीन पार्ट जो आप उसका है अगर तो वो हटा दें, हरे रंग के आलू हैं तो मेरे आलू नए थे, मैंने इसके छिलके इसलिए उतार दिए क्योंकि उसमें सब ग्रीन था, तो मैंने 4 से 5 अदद आलू भी ले लिए हैं। इसके अलावा अब मैंने देखिए ये भुन चुका है, कीमा मेरा भुन चुका है, मैंने इसमें प्याज डाली थी, प्याज को गोल्डन ब्राउन करके उसके बाद फिर मैंने एक बड़ी प्याज डाली, गोल्डन ब्राउन हो गई, उसमें मैंने फिर लहसुन अदरक का 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके बाद मैंने इसमें कीमा डाल के इसको अच्छी तरह से भून लिया है। लहसुन अदरक को पहले भून लेंगे, फिर उसके बाद इसमें कीमा डाल के ये अलग अलग भी हो गया और इसको मैंने भून लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आलू, ये जो हमने आलू चकोर पीसेस में काट के रखे थे ये इसके अंदर जाएंगे, इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये आलू भून रहे, इसके साथ ही मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, ये जो मसाले थे जो मैंने आपको सारे बताए हैं, दालचीनी, गरम मसाले और सब, और पिसे मसाले सब मैंने इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब मसाले जो बाकी के थे मैंने ऐड कर दिया, अब इसको मैं मिला लूँगी, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। फ्लेम को आपने तेज़ ही रखना है फिलहाल के लिए, क्योंकि उसके बाद जब हम इसमें पानी डालेंगे तो उसको दरमियानी आंच पर रख के गलने के लिए छोड़ देंगे, अच्छी तरह से सब कुछ भूनने के बाद, तो हम हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से खाने को भून लेंगे, जो भी हम डाल रहे हैं आलू कीमा वगैरह सब चीज़ें मसाले, और अभी जो हम डालेंगे टमाटर और उसके साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून दही, देखिए अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें हम डालेंगे
दो अदद दरमियाने हमने टमाटर लिया था, 2 से 3 अदद 2 टेबलस्पून इसमें दही के लिए, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो फिर इसके अंदर जाएंगे टमाटर और दही भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी, फर्दर इसको हम भूनेंगे। उसके बाद जब ये अच्छी तरीके से हो जाएगा, तेल ऊपर आ जाएगा, तो फिर मैं इसमें डालूँगी पानी, तकरीबन 2 गिलास पानी डालूँगी, 2 से 3 गिलास। उसके बाद इसको गलने के लिए छोड़ दूँगी, गलने के लिए छोड़ूंगी तो फिर मीडियम आंच पर रख दूँगी। आप लोग आज क्या बना रहे हैं अपने घर में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और मेरी वीडियोज़ आप लोगों को कैसी लगती हैं। इसके अलावा कोई ख़ास रेसिपी आप लोगों ने बनवानी हो या आप मुझसे सीखना चाह रहे हों या देखना चाह रहे हों कि हमारे यहाँ किस तरीके से बनती है, सब लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। सारे जो जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि आलू गोश्त की ऐसी रेसिपी है कि हर कोई अपने अंदाज़ से बनाता है, जो आलू गोश्त बनाती हैं ख़वातीन हर घर में वो अपने तरीक़े से बनाती हैं, और हर हाथ का ज़ायका अलग होता है। किसी का बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, किसी का दरमियाना होता है, कोई बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब कोई नॉर्मल बनाती है, किसी के हाथ का ज़ायका ऐसा होता है, वही डिश होती है लेकिन ज़ायका तो ऐसा होता है कि बस शाही ख़ानदान शाही खाने से भी अच्छा होता है। तो अभी आलू गोश्त का तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि जैसे हर किसी के अपना अपना ज़ायका होता है, जैसे कोई भी ऑफिस में लेकर आए या यहाँ से बने के मतलब मेरे हाथ का वो कहते हैं अलग होता है, कोई किसी और के हाथ का खाऊं ऑफिस में अगर कोई लाया या वैसे खाया जाए तो डिफरेंट होता है। तो इसी तरह से होता, तो आप लोगों के कौन सी डिश बन रही है और आप लोग क्या बनाते हैं, या कोई ऐसी डिश है जो आप लोग बनाते हैं अपने तरीके से, मैं उसको फिर मेरा तरीका अलग होगा, मैं अपने तरीके से फिर आपको बताऊँगी उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये चीज़ है, इंशाल्लाह ताला और भी मैं मीठे लाइनअप करूँगी, कस्टर्ड वगैरह है मेरे जहन में और शाही टुकड़े भी हैं, शाही टुकड़े मैंने काफ़ी टाइम से नहीं बनाया, वो मैं ज़रूर बना के आपको दिखाऊँगी, उसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए आने वाले हैं, और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। नए आने वालों को मेरे चैनल पर वेलकम है। अच्छा, ये हो गया है, अब अच्छी तरह से भुन गया है, देखिए इसमें तेल ऊपर आ गया, अब देखिए साइड में तेल आ रहा है। अब मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, मैं अपने अंदाज़ से इसमें पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाह, मैंने इसमें पानी डाल दिया तकरीबन 3 गिलास, और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। आलू और कीमा हो जाएगा, साथ ही टमाटर भी हो जाएंगे, ठीक है। अब इस स्टेज में मैं यहाँ पर चूल्हा तो मैंने अभी थोड़ा हाई किया हुआ था, मैं इसको मीडियम कर दूँगी। ये पक रहा है, आलू कीमा हमारा तैयार हुआ जाता है। अब इसमें ये है कि जब तक ये पक रहा है इसको मैं ढाँप दूँगी, पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब इसकी आँच आप देखें, गैस भी थोड़ी कम आ रही है जैसे कि आप देख रहे हैं, वैसे ही तो मीडियम पे ही खुद ब खुद ही हुआ हुआ है। अब ये जब ये तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको शो करती हूँ। जी जनाब, तो इसके हम सूरत हाल देख लेते हैं, कहाँ तक पहुँचा हमारा आलू कीमा। देखिए आलू कीमा हमारा रेडी हो गया, बहुत ज़बरदस्त है, इसमें धुआँ निकल रहा है। अब इसको हम चेक कर लेते, चला बहुत ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आलू कीमा बना है। और अब इसको ये देखिए, इसमें ऊपर ऑयल भी आ गया है इसके। अब हम इसके आखिर में इसको हम डालेंगे, खूब अच्छा सा बुना बुना बन गया, जितना हम बुनना चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा ड्राई जो होता है फिर हमने खाया नहीं जाता, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ड्राई सा ऐसा होके हल्का सा पानी, बस ये बन चुका है जितना हमें इसको डिज़ायर था। अब इसमें मैं डालूँगी हरी मिर्चें, ये हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए मैंने ऊपर से डाल दी है, चूल्हा धीमा कर दूँगी। इनको मैंने लो फ्लेम कर दिया, अब इसके ऊपर जो है इसमें थोड़ा सा ऑयल और उतरेगा, इससे तैयार हो गया हमारा आलू कीमा। आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कैसी बनी और कैसी लगी आपको ये रेसिपी, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।